2013 LDC परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने दिया धरना। परीक्षा को बीत चुके हैं 5 साल, अब तक नहीं हुई नियुक्तियां। लोक सेवा आयोग प्रशासन द्वारा 2013 में ली गई LDC परीक्षा की चयनित अभ्यर्थियों ने मजबूर होकर धरना शुरू कर दिया है। इन अभ्यर्थियों को चयन के बावजूद RPSC ने आज तक नियुक्तियां नहीं दी। सभी अभ्यर्थी असमंजस की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर करें तो करें क्या। अब इन अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आपके चैनल के माध्यम से ये राजस्थान सरकार और RPC को सूचना पहुंचाना चाह रहा हूं। हम 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम पिछले 8 दिन से उनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि अभी तक हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है और कार्रवाई होगी बाद में, हिसाब से होगी, जनवरी तक हो जाएगी। ये कोई रेस्पॉन्स थोड़ी होता। सचिव भर्ती 2013 से लेके अब तक आज उसको 4 साल हो गए हैं। सचिव साहब के जाते हैं, सचिव साहब फटकार के बाहर निकाल देते हैं। ये कोई तरीका तो होता नहीं। हम पिछले 3 दिन से शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं और जब तक हमारी नई मांगे मानोगे तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। बात यही है, अभी तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए ये उग्र भी हो सकता है। उसके बाद में जो आप ये करोगे कि भाई कानूनी कार्रवाई अड़चन आएगी, वो आएगी, वो हमारा जिम्मेदार हम खुद होंगे। जो होगा सो हो जाएगा। आप लोग कितने जने हो? हम कम से कम 200 जने हैं साहब। पूरे राजस्थान से 6200 बंदे हैं। रेगुलर हम 200 बंदों के हिसाब से धरना चल रहा है 3 दिन से है और 4 तारीख के बाद उग्र हो जाएगा। विशेष निवेदन RPC से ये है, जो 3 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें अपना मजबूत पक्ष रखे और भर्ती का रास्ता साफ करे। भर्ती के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन RPC की पैरवी नहीं होने के कारण भर्ती के अंदर लंबित हो रहा है। अब जो RPC बता रही है ना कि कोर्ट के अंदर मुद्दा कुछ भी नहीं है। RSCIT 2011 के अंदर दे चुका है निर्णय कि भाई एग्जाम के अंतिम तक तिथि तक जो भी शैक्षणिक योग्यता होती है वो वैलिड होगी और RSCIT को शैक्षणिक योग्यता में नहीं है, एक डिप्लोमा है। इसलिए इसे विशेष निवेदन है RPC से कि रास्ता साफ करे और भाई बंधुओं को सभी को नियुक्ति का दिलवाए जो मानसिक और आर्थिक। नाम मेरा नाम ओम प्रकाश जाजला है, नागौर से आया हुआ हूँ।